ओके सो वेलकम स्टूडेंट्स और विजुअल एनालिटिक्स में आज हम लोग करने जा रहे हैं डेटा आइटम्स क्रिएट। हेलो स्टूडेंट्स, मायसेल्फ प्रोफेसर महेश माली, वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल डेटा गुरु सिंप्लीफाइड डेटा साइंस एंड आई एम हियर टू मेक योर लर्निंग सिंपल एंड इंटरेस्टिंग। सब्सक्राइब करना ना भूलें डेटा गुरु सिंप्लीफाइड डेटा साइंस। तो चलो शुरुआत करते हैं। न्यू डेटा आइटम्स क्रिएट करने हैं अपने को बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग डेटा आइटम्स, और हम लोग ये डेटा आइटम्स क्रिएट करेंगे विथ हेल्प ऑफ रिपोर्ट बिल्डर। मैंने रिपोर्ट बिल्डर में क्लिक किया और मुझे ये एम्प्टी रिपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब ये एम्प्टी रिपोर्ट में मैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक डेटा सेट ऐड करूंगा। तो मैंने डेटा सेट ले लिया है जिसका नाम है कस्टमर क्लीन, और यहाँ पे मुझे क्रिएट करने हैं कुछ नए कॉलम्स। तो नए कॉलम क्रिएट करने के लिए अपने पास देखो यहाँ पे ऑप्शन है जिसका नाम है न्यू डेटा आइटम्स, ठीक है। अभी यहाँ पे न्यू कैलकुलेटेड डेटा आइटम्स अपने को क्रिएट करना है। पहले मैंने यहाँ पे क्लिक किया कैलकुलेटेड आइटम, बराबर है, पहला डेटा आइटम मैं क्रिएट कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ एक नया कॉलम जिसका नाम है नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स मतलब कितने ऑर्डर्स अपने पास है। ओके, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैन बी डिसाइडेड विथ हेल्प ऑफ विच कॉलम, ऑर्डर आईडी। जितने ऑर्डर आईडीज है, डिस्टिंक्ट जितने ऑर्डर आईडीज है, जितने डिस्टिंक्ट ऑर्डर आईडीज है उतने नंबर ऑफ ऑर्डर्स होंगे। लेकिन उसके लिए पहले आपको डिस्टिंक्ट ऐड करना पड़ेगा। डबल क्लिक किया, देखो डिस्टिंक्ट ऐड हो गया। क्या डिस्टिंक्ट चाहिए आपको? ऑर्डर आईडी। डबल क्लिक कर दो, देखो बेटा एक्सप्रेशन बन गया। अभी आप बोलोगे सर ये विजुअल इतना जम नहीं रहा है, वी आर एक्सपर्ट इन एसक्यूएल, कैन बी राइट क्वेरी। तो आप टेक्स्ट में जाके अपनी क्वेरी यहाँ पे लिख सकते हो, इसे एडिट भी कर सकता। ये होने के बाद आप ओके करोगे। चलो और एक डेटा आइटम क्रिएट करते हैं, उस टाइम हम लोग प्रीव्यू देखेंगे। एक कैलकुलेटेड डेटा आइटम लिया और अभी हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, अपने कस्टमर का एज। ओके, कस्टमर का एज कैलकुलेट करना है। जैसे कि ये एक्सप्रेशन 1-2 विल गिव यू द डायरेक्ट माइनस ऑप्शन, ठीक है। क्या क्या माइनस करना है बेटा? आज का दिन मतलब नाउ, टूडेज फंक्शन नाउ, इसे उठा के इधर डाला। नाउ माइनस बर्थ डेट ना बेटा, बर्थ डेट, अभी बर्थ डेट है क्या, दिखना पड़ेगा। यस, एक्सेलेंट, यहां पे डाल दिया बर्थ डेट। नाउ माइनस बर्थ डेट, इन दोनों का डिफरेंस मतलब कस्टमर का एज है, ठीक है। यहां पे नाम दो इसे, कॉलम का नाम क्या होगा? कस्टमर एज। इस सैस में जो डेट से होता है वो नंबर में होता है, बराबर ना। इसका मतलब अगर इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो यहाँ पे देखो टाइप मिसमैच आ रहा है, बिकॉज एक नंबर है और एक डेट टाइम है, इन दोनों को माइनस नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले करना पड़ेगा दोनों को डेट पार्ट नाम का फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो दोनों को डेट पार्ट नाम का फंक्शन अप्लाई करते हैं। ऑपरेटर में जाएंगे और डेट पार्ट, डेट पार्ट का काम होता है उसे कन्वर्ट करना। डेट पार्ट देखो प्रॉपर जगह पे छोड़ना है आपको, ये अंदर छोड़ोगे तो डिलीट हो जाएगा। देखो नाउ को मैंने डेट पार्ट किया और मैंने ऑर्डर को भी डेट पार्ट किया, लेकिन अभी ये तो सिर्फ एक कॉमन डेट नाम के टाइप में कन्वर्ट हुआ है। ओके, डेट टाइम एक्सप्रेशन से उसने अपने को दिया एक डेट, एक्सप्रेशन से डेट दिया, लेकिन अभी भी वो डेट है ना। अपने को डेट नहीं चाहिए, अपने को एक नंबर चाहिए, डेट नंबर, जिससे कि ये माइनस हो सके। तो अभी ये करने के लिए अपने को ये इसे करना पड़ेगा कन्वर्ट। अभी कन्वर्ट नाम का फंक्शन यहाँ पे नहीं होता, तो यहाँ पे होगा एक ट्रीट। ओके, ट्रीट एज नाम का फंक्शन, ठीक है। तो ट्रीट एज नाम के फंक्शन का काम देखो यहाँ पे सिर्फ कर्सर लेके जाना, क्या बोलता है, अलाउ न्यूमेरिक और डेट टाइम वैल्यू टू बी यूज्ड एज अ डिफरेंट डेटा टाइप्स।
सो ये हम लोग इधर अप्लाई करेंगे डेट पार्ट पे। अभी इसको पूरा उसने एक नंबर में कन्वर्ट कर दिया, पूरे नंबर में कन्वर्ट कर दिया। मेरे पास अभी दो नंबर्स हैं, उनको सिंपली मैंने माइनस कर दिया। माइनस करने से, अभी मैं टेक्स्ट में थोड़ा एडिट करता हूँ, माइनस करने से नंबर ऑफ डेज आ जाएगा, तो मैं डिवाइड बाय 365 करूंगा। लेकिन अगर टू प्रिसाइज करना है तो 365.25 करते हैं, चार साल लीप ईयर कंसेप्ट आपको पता होगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हम लोग करके देखते हैं, इससे अपने को पता चल जाएगा। देखो एक बार विजुअल में आ जाते हैं, डिवाइड बाय 365 किया और चलेगा, ठीक है। अभी ये फंक्शन को मैं फ्लोर नाम का फंक्शन लगा सकता हूँ या सील लगा सकता हूँ। तो करंटली हम लोग इसे फ्लोर पे लगाते हैं, अगला ईयर देखेंगे हम लोग। देखो डबल क्लिक किया, एक्सप्रेशन को फ्लोर लग गया और बाकी सब यहाँ पे रिजल्ट टाइप मेमोरी का है, कॉमा सेपरेटेड है, तो मुझे लगता है कि ये ऑलरेडी डेट पार्ट में है। तो हम लोग यहाँ से ये डेट पार्ट का पार्ट निकाल देंगे, बिकॉज मुझे लगता है कि उसकी जरूरत नहीं है, इट इज ऑलरेडी इन अ प्रॉपर फॉर्मेट, तो हम लोगों ने उसे डेट पार्ट करना किया नहीं। नाउ के लिए वो जरूरी था, वहां पे मैंने कर दिया। और अभी हम लोग अगर प्रीव्यू करके देखेंगे तो अपने को देखो एज मिल रहा है, इसका मतलब हमने जो किया है ये सही है। ये सिर्फ आपको नंबर ऑफ रोज दिखाएगा 50 कि ये प्रॉपर चल रहा है कि नहीं। अगर आपने ओके किया तो ये कॉलम अपने टेबल में ऐड हो जाएगा। एक बार देख लेना, एज कस्टमर एज नाम का कॉलम ऐड हो चुका है, बराबर है। अभी हम लोग और एक कॉलम ऐड करेंगे इसमें, जिसका नाम है कस्टमर एज ग्रुप, जिसमें हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज, इफ एल्स का थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज हम लोग डालेंगे, कस्टमर एज ग्रुप, ठीक है। कस्टमर एज का ग्रुप बना रहे हैं हम लोग, ग्रुप मतलब बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स हम लोग उसे अलग अलग ग्रुप में डेविएट करेंगे, जैसे कि 18 के नीचे वाले, 18 टू 65 और 65 अप, ऐसे तीन ग्रुप में हम लोग उसे डिवाइड करने वाले हैं। तो देखो कैसे करते हैं हम लोग ये, इसके लिए अपने को लिखना पड़ेगा एक नेस्टेड इफ का लूप। तो पहले देखते कि ये इफ वाला ऑपरेटर लिखा कैसे जाता है, इफ एल्स को ड्रैग ड्रॉप कर दिया, बराबर है। देखो इफ कंडीशन रिटर्न्स दिस, एल्स रिटर्न दिस। अगर मेरा कंडीशन है कि कस्टमर एज, एज कंडीशन है कस्टमर एज इज लेस देन और इक्वल टू, देखो बेटा मैं कैसे यहां पे लेस देन और इक्वल टू लिखूंगा, यहां पे कंपैरिजन के ऑपरेटर से मेरे पास दिख रहा है आपको ये वाला, मैंने ये इधर अप्लाई कर दिया, बराबर है। लेस देन इक्वल टू सपोज हम लोग लेंगे 18 या फिर 20 लेते हैं, जरा बड़ा ओके, अगर 20 से नीचे एज है तो वो माइनर हो जाता, ठीक है ओके। तो हम लोग करेंगे नॉट एलिजिबल लिखते हैं, नॉट एलिजिबल मतलब ये कैटेगरी है, नॉट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल, 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 ठीक है। देखो अभी मैंने लिख दिया, बराबर हो गया ये, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं नॉट एलिजिबल, थोड़ा सा एक्सप्रेशन चेक करना पड़ता है अपने को, बराबर है नहीं, ठीक है, और एल्स एलिजिबल, ठीक है। 20 के नीचे अगर रहेगा तो नॉट एलिजिबल, अदरवाइज इट इज एलिजिबल। थोड़ा सा प्रीव्यू करके देखते हैं, देखो एलिजिबल 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 ओके। सो अभी यहाँ पे 29 है, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा रेस करके चेक करेंगे, 20 के जगह पे मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे 30, सो दैट आई कैन चेक दैट वेल प्रीव्यू। देखो बेटा एलिजिबल नॉट एलिजिबल, एलिजिबल नॉट एलिजिबल, बराबर है, ये अपने को सैंपल आउटपुट मिल रहा है, वेरी गुड। इसके बाद अभी मुझे क्या करना है कि 30 के अबाव ओके, जो लोग हैं 30 के अबाव जो लोग हैं
उनमें मुझे कुछ करना है, ठीक है। तो अगर नॉट एलिजिबल यहाँ पे डायरेक्ट नहीं डालना है, इसके अंदर मुझे एक इफ लिखना है, इफ के अंदर एक इफ लिख रहा हूं मैं, ठीक है। चलो ये पूरा इफ मैंने कॉपी कर लिया है और नॉट एलिजिबल नहीं डाला है मैंने यहाँ पे, यहाँ पे और एक इफ डाल रहा हूं, एक और एक इफ डाल दिया, में एक इफ है और एल्स में एक इफ है, ठीक है। अगर ये 20 के भी नीचे है तो वो नॉट एलिजिबल होगा, अदरवाइज इसे बोलेंगे एज ट्वेंटी टू थर्टी के बीच वाला बंदा ये, ठीक है। और एल्स मतलब अगर वो देखो प्रॉपर सोचो क्या हो रहा है, कल बनाता हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे ये नॉट एलिजिबल नहीं करेंगे, इसके जगह पे हम लोग एक दूसरा इफ डाल रहे हैं, ना ही यहाँ पे हम लोग कुछ करेंगे, ठीक है। अभी अगर ये यहाँ पे और एक आता है, यहाँ पे एक थर्टी के नीचे नहीं है, थर्टी के अबाउट 50 के नीचे रहेगा तो हम लोग रिटर्न करेंगे एज 30 to 50 वाला बंदा ये, और एल्स बंदा अबाउट 50 इयर्स एज वाला बंदा है। कुछ एक लॉजिक इंप्लीमेंट कर रहा है ऐसे, कुछ मतलब बहुत बड़ी चीज नहीं है, विजुअल में जाके जरूर देखना, बिकॉज विजुअल में अगर आपका क्वेरी करेक्ट है तो ही वो फॉर्मेट कर पाएगा। देखो बेटा क्या है ये पूरा, एक बार मल्टीप्लाई करके देख रहा हूं, देखो 30 to 50 है, 30 to 50 है, 20 to 30 है, वेरी गुड। अबाव 50 भी मिल रहा है, यहाँ पे देखो 57 अबाव 50 मिल रहा है, ठीक है। और नॉट एलिजिबल नहीं है बिकॉज 20 के नीचे वाले बंदे अभी तक यहाँ पे नहीं है, अदरवाइज ऑल द थिंग्स आर करेक्टेड। तो देखो मैंने एक इफ एल्स का बहुत बड़ा ब्लॉक यूज करके, इफ एल्स का एक बहुत बड़ा ब्लॉक यूज करके मैंने यहाँ पे कुछ कॉलम जनरेट किया, प्रीव्यू कर लिया। अगर ये करेक्ट है तो आप ओके कर सकते हो, जिससे कि आपको वो कॉलम भी दिखाई देगा। अभी हम लोग यहाँ पे एज ग्रुप को ऑटो चार्ट करते हैं, देखो एज 20 टू 30 वाले कितने लोग हैं, 30 टू 50 वाले कितने लोग हैं, और अबाव 50 वाले कितने लोग हैं। तो यहाँ पे मैंने एक नया डेटा कॉलम बना लिया और वो हमने यूज भी कर लिया। तो ऐसे ही लाइक करते रहे सारे वीडियोस को और विजिट करें हमारा चैनल डेटा गुरु सिंप्लीफाइड डेटा साइंस, जो आपके लिए हिंदी में डेटा साइंस का कंप्लीट नॉलेज देगा। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।